नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। युवा मोर्चा ने फूंका प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला। बनेली जलवा महोत्सव में कलाकारों ने दिखाए कला के जलवे। बिच्छू के काटने से 4 वर्षीय मासूम की मौत। कुम्हारी में चोरी, सीसीटीवी कैद हुई घटना। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने नगर के चंडी जी चौराहे पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला फूंका। जमकर नारेबाजी की गई। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गर्वेश राजपूत ने बताया कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना जन्मदिन मनाया, पर हमारे आराध्य देव श्री हनुमान जी एवं श्री राम मंदिर के चित्र केक पर बनवाकर उसे काटा गया। उसकी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं और इसी का हम विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर हटा विधायक पीएल तंतवाय, मंडल अध्यक्ष मनीष पलिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष गर्वेश राजपूत के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी और युवा मोर्चा के हमारे मित्र कमलनाथ का पुतला दहन करने आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है और भारत देश में ये विधर्मियों को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि उनके कमलनाथ का जन्मदिन था और उन्होंने हमारे इष्ट देवता बजरंग सरकार की का केक में चित्र बनाकर उनने केक काटा, ऐसे हिंदुत्व को ये सभी लोग बदनाम कर रहे हैं। ये हिंदू कहलाने के लायक नहीं है और हिंदुत्व धर्म पर जब भी आंच आई है तो भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और हिंदुत्व सेना आगे खड़ी रही है और ऐसे विधर्मियों को हम सभी लोग कुचल देंगे और इनका बार बार पुतला दहन करेंगे। भारत माता की जय। हाल ही में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने जन्मदिन पर केक पर हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी एवं हमारे राम मंदिर का चित्र बनाकर काटा एवं सोशल मीडिया पर उसकी फोटो एवं वीडियो को अपलोड किया। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं ने उन विधर्मी कांग्रेसी कमलनाथ का पुतला दहन किया है और उनके लिए चेता रहे हैं कि ये जो बार बार हमारे हिंदू धर्म हमारे आराध्यों को टारगेट करते रहते हैं, यह इस प्रकार के कृत्य करना बंद कर दे, क्योंकि आप जब जब ऐसा काम करेंगे हम आपका पुतला दहन करेंगे और आपका विरोध करेंगे। जय जय श्री राम। हमारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। जैसा कि सभी को विदित है, कांग्रेस पार्टी लगातार जन भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रही है, चाहे वो धर्म के लेकर हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति का लेकर हो। अभी उन्होंने अपने जन्मदिन पर जो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, हमारे इष्ट बजरंगबली जी का मूर्ति का अपमान किया है, उनकी अपमान करते हुए भारतीयों की भावना को ठेस पहुंचाया है। हम उनका विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वधान में उनका पुतला दहन किया गया है। हम पुरजोर इस प्रकार के तत्वों का विरोध करते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। तभाव हटा में स्थानीय लोगों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक क्षेत्र विशेष में लगातार मांस बेचा जा रहा है, जिस पर इन्हें काफी आपत्ति है। इनका कहना कि तालाब के किनारे लगातार दुकानें बढ़ती चली जा रही हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हटा में ककराई जो है उस तालाब बना हुआ है, वहीं पे हनुमान मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, देवी जी का मंदिर है,
उसी की पार पर जो बाउंड्री बनी हुई उस पर अवैधानिक तरीके से दुकानें संचालित हो रही हैं, उसमें मीट मछली की जो हैं दुकानें हैं वो संचालित हो रही हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल जो पूरा कचरा निकलता है वो तालाब में डाला जाता है, वो तालाब का पानी जो है दूषित हो रहा है, और उसी के मंदिर के बाजू से लगा हुआ है हैडपम्प, तो उससे पानी रिसाव होकर जाता है तो भगवान को चढ़ता है। ये हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाना है मेरे हिसाब से, और वहाँ श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ हो रही हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि प्रभाव से अति शीघ्र संपूर्ण दुकानें वहाँ से हटाई जाएं, जो मीट मछली की अवैधानिक तरीके से जो खोली वो हटाए। इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। संजय सरवरिया, लकड़ीसी न्यूज, दबाव। कुम्हारी थाना अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास सरकारी क्वार्टर में निवासरत ANM नीरजा बच्चन, जिनके घर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया और 10,000 रुपए की नकदी सोने से बने हुए आभूषण लेकर चोर 9-2-11 हो गए। कुम्हारी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा जांच की जा रही है। थाना प्रभारी वंदना गौर सहित घटनास्थल का स्टाफ ने निरीक्षण किया, CCTV फुटेज भी वायरल किया गया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? देवीदयाल बच्चन जी। क्या हुआ, कैसे हुई चोरी घटना, बताएं संबंधित जानकारी। 21 तारीख के दिन की बात है, मैं स्कूल गया था, मेरी मैडम मीटिंग थी पटेरा, तो पटेरा गई थी, तो दिन में जो है अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़ करके और घर से 10,000 नगद और जेवर लगभग 2,00,000 की सामग्री ले करके भाग निकले। पुलिस को दी सूचना? इसकी सूचना पुलिस को उसी रात दी थी। कल जो है मैडम और साहेब थानेदार मिश्रा जी वो गए थे, तो छानबीन करके भागे आए थे, और अभी तक इसकी कोई सुराग नहीं लगा है, ना कोई संतोष से ना कोई पुष्टि की गई है। पटेला से अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, LKDCN न्यूज, दबाव। दमनगर कोतवाली पुलिस के द्वारा अलग अलग स्थानों पर वाहन चेकिंग लगाई जा रही है। लगातार वाहनों को रोककर उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। 3 सवारी चलने वाले वाहनों को विशेष रूप से रोका जा रहा है। पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग गश्त की गई, प्रत्येक अधिकारी फील्ड में नजर आया। नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी वाहनों की चेकिंग करते देखे गए। देर रात तक ये चेकिंग अभियान चलता रहा। देर रात चेकिंग हो रही है सर, क्या मामला? देखिए, लगातार प्रत्येक माह कॉम्बिंग गश्त की एक हमारी विशेष पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो प्रत्येक माह में 2 बार निकलती है, 1-2 बार निकलती है। रात में हम मुख्य चौराहों पर संदिग्ध वाहनों की, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हैं। जो स्थाई वारंट हैं, जो हमारे गिरफ्तारी वारंट हैं, जो कई दिनों से तलाश करने पर नहीं मिल रहे थे, उनकी तलाश की जाती है, और हमें उसमें कई बार सफलता भी मिलती है। जो हमारे फरारी बदमाश होते हैं उन्हें भी हम चेक करते हैं, और ये पेट्रोलिंग गश्त जो है अनायास जो है एक भय का माहौल जो है वो अपराधियों में पैदा करती है, इसलिए ये लगातार जो है आज रात जो है जारी रहेगी, और इसी तारतम्य में हम जो है शहर के मुख्य चौराहों पर और शहर के अन्य सुनसान चौराहों पर जो है वो चेकिंग लगातार करते रहेंगे, और ये कार्रवाई देर रात तक जारी रहेगी। हम आपको बता दें, कॉम्बिंग गश्त में लगातार पुलिस को सफलता मिलती है, जिसके चलते पुलिस लगातार इस तरह से गश्त कर रही है। संजय सरवरिया, LKDCN न्यूज, दफा। वाहन दुर्घटना में घायल युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है काफ़ी गंभीर घटना है, जिसमें युवक घायल हो गया है। इस तरह से पूरी घटना घटी, इस संबंध में मौजूद चिकित्सक के द्वारा बताया गया। और ये गोविंद रायकवार नाम के पेशेंट आए थे, बंदाकपुर से, 27 वर्ष की उम्र थी, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था। ये नाक से खून बह रही थी, खून की उल्टियाँ भी हो रही थी, ठीक है ना, पूरे चेहरे पे घाव थे, है ना, लेसरेशन एब्रेजन मल्टीपल, ठीक है, इनकी ऑक्सीजन की कमी भी थी शरीर में। हम लोगों ने इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ देकर स्टेबलाइज करके जिला अस्पताल दमोह से जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया है। Thank you.
दमोह जिले के पटेरा से एक मामला सामने आया जहां पर 4 वर्षीय बच्चे को एक बिच्छू ने काट लिया, जिसके चलते गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि पटेरा से उसे रेफर किया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मृत अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया था। एक अफसाना नाम की बच्ची आई थी 4 साल की उम्र की, और इसे बिच्छू ने काटा था और पटेरा से रेफर किया गया था। यहाँ पे बच्ची मृत अवस्था में लाई गई, हम लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस के लिए में भेजा उसे पोस्टमार्टम करने के लिए। दमोह नगर के नैमी नगर में जैन समाज का एक बृहद धार्मिक आयोजन चल रहा है, जिसमें सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज। तभाव बुंदेली जलवा महोत्सव का आगाज हो चुका है। दमोह के तहसील ग्राउंड पर बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक बृहद महोत्सव का यह आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बीती रात यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ, जिसमें अरहत कला केंद्र के कलाकारों के द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। अंकिता कोरी के द्वारा भी गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। देखिए किस तरह से कलाकारों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग यहां पहुंच रहे हैं और महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिले की शैक्षणिक संस्थाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लाडली बेटियों को दमों में मंच से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बेटियां घर आंगन की रौनक होती हैं तो अपने माँ बाप का अभिमान होती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिले की जिन बेटियों ने अपने परिवार और अपने शहर का नाम रोशन किया है, इस वर्ष परीक्षा में जिन्होंने टॉप किया है, उनको महिला बाल विकास विभाग ने अपना दायित्व समझते हुए आज मंच से सम्मानित कराया। जी हाँ, वो भी जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के हाथों से। तो बेटियों की भी खुशी का ठिकाना ना रहा जब जिले के मुखिया और तमाम अधिकारियों ने भरी सभा में उनको सम्मानित किया। इस मौके पर महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख अधिकारी
प्रदीप राय, संजीव मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री मिश्रा जी और जनसंपर्क अधिकारी वाई ए कुरेशी के द्वारा इन तमाम बच्चियों को सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात कुमारी माधवी, इस सिलसिले में जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर ने बेटियों के बारे में क्या बात कही है ये भी सुनिए आप। और लाडली लक्ष्मिया जो दमोह जिले की नाम जो है वो रोशन किया है और उनके गार्डियंस सभी लोगों को इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत ही शुभ दिन है, मेरी भी बेटी है। हम लोग तो यही मानते हैं बेटियां जो है बेटों से भी यूजुअली अपने घर का रोशन करते हैं, घर का नाम जो है। और आप कोई भी एग्जाम देखेंगे, हम लोगों के यहाँ पे बोर्ड सेवेंथ क्लास को होता था, यहाँ पे पांचवी और आठवीं में होता होगा, दसवीं में होता है, बारहवीं में होता है। तो कोई भी बोर्ड एग्जाम है सभी टाइम में यूजुअली परसेंटेज वाइज बच्चों की, लड़कियों की जो है पास परसेंटेज हो या बेहतर काम करने का परसेंटेज हो, वो यूजुअली बच्चों से बहुत आगे रहता है। और ये ट्रेंड यूजुअली लगातार कंटिन्यू रहता है, इसलिए क्योंकि उनके पढ़ने की इच्छा भी रहती है, वो पढ़ने की जज्बा भी रहती है और मेहनत करने की, काम करने की, प्रयास करने की इच्छा रहती है। तो जितने भी माँ बाप हैं तो हम लोग उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कोई भी बच्ची और आगे पढ़ने की कोशिश करें और आगे पढ़ने की प्रयास करती है तो उन लोगों को लगातार हम लोगों को बेटियों के लिए कुछ तो सरकार कुछ करती है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर साल ऐसे ही लड़कियों के लिए सम्मान समारोह रखती है और ऐसे ही बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका प्रोत्साहन करती है, जिससे बेटियां और पढ़ें और आगे बढ़ें। क्लास में मेरे हाईएस्ट परसेंटेज आए थे, इसी वजह से मुझे मिला। मैं IIT की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा अपने दमों का नाम रोशन करेंगे और मम्मी पापा। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसी न्यूज, दमोह। पटेरा में व्यापारियों के द्वारा एवं ताम्रकार समाज के द्वारा नगर पालिका CMO को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बस्तर चयन की तलैया के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार को लेकर अपनी बात रखी गई। नगर परिषद द्वारा तलैया पर स्लब कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। व्यापारियों का कहना है कि पूर्व में कॉम्प्लेक्स कहीं और बनना था, अब तलैया पर बनाया जा रहा है, जिसका विरोध उनके द्वारा किया गया। नाम है बाबा की, जल स्रोत वहाँ पे है नहीं, किसी भी टीम को बुला के परीक्षण करा लिया जाए। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मिशन है और नगर परिषद बने करीब लगभग 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक शौचालय नहीं है इस नगर पालिका में और ये बहुत ही वैसा विषय है, मतलब आम पब्लिक के लिए भी और नगर वासियों के लिए। और चूंकि इसमें जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था, जो राजपत्र में प्रकाशन हुआ, जो भी भूमि है या जो भी वार्ड है उसमें ग्राम पंचायत की जगह नगर परिषद का अधिपत्य है। इस विषय में तहसीलदार महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है और वहाँ पर लेआउट दिया गया है शौचालय का। चूँकि आपके द्वारा सामाजिक तौर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है, इस संबंध में तहसीलदार महोदय से वस्तु स्थिति का अवगत करा कर मांग कार्रवाई की जाए। सर उधर मंदिर भी है और मंदिर अंदर है, बहुत मंदिर अंदर है तो गंदगी और तो गंदगी, एक गंदगी नहीं जाएगी ऐसी। वो तो क्या है, वो वैसा शौचालय नहीं है, चूँकि वो सब पैक रहेगा वो। और आजकल जो शौचालय बन रहे हैं जनहित को दृष्टिगत देखते हुए, उस हिसाब से जो भी होगा तहसीलदार महोदय को अवगत करा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर इसके पहले सूचना अपन दूसरी जगह आता इसके पहले, माने एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे हमारा शौचालय बना हुआ है और जहाँ पे हम बनाना चाह रहे थे, वो मामला माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित है। उसमें जनपद के द्वारा दुकानें निर्माण की जा रही थी तो वो मैटर हाईकोर्ट में चल रहा है। और चूँकि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में टीम आना है और शौचालय के उसमें बहुत महत्वपूर्ण अंक हैं जिसमें ODF +++ का भी मैटर जुड़ा हुआ है, तो चूंकि मेरा व्यक्तिगत तो उसमें कोई रुचि नहीं है, आज मैं हूँ कल मैं चला जाऊँगा और ना अपना ऐसा कोई उद्देश्य है, तो जो भी होगा उसमें अपन देख के कार्रवाई करेंगे। क्या क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में, ज्ञापन दिया है आज हमारे द्वारा CMO महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है। बस स्टैंड पर एक तलैया है जिस पर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है और पूर्व में वह शौचालय किसी और स्थान पर बनना था, तलैया पर बनाया जा रहा है। 50 फुट दूर मंदिर है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं,
तो आज हम सभी पूरे व्यापारी वर्ग ताम्रकार समाज द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से सीएमओ महोदय से आग्रह किया गया है कि पुराने स्थान पर ही शौचालय को शिफ्ट किया जाए और साथ में तलैया का सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है मंदिर के लिए भी वही रास्ता है और लोगों का आवागमन का भी वही स्थान है। धन्यवाद। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन के द्वारा किया गया। दो पंक्तियों में मिलाएंगे आवाज देना सर की आवाज में, लहरों के डर से नौका। आज हम लोगों के साथ उपस्थित प्रशासन के मेरे साथी हैं, जोर से हो जाना। बाद में एक रैली भी शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा में दमो रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को रौंद दिया, जिसकी वजह से बाइक चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम परसराम पटेल है। दो दिन बाद उनके भतीजे की शादी थी। शादी का सामान लेने ग्राम उदयपुरा से गड़ाकोटा आया था। गड़ाकोटा से वापस लौटते समय तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते बाइक चालक की मौत हो गई। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। उप निरीक्षक रामलखन राजौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 9:45 बजे पंजाब बैंक के सामने दमो रोड पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया। एक दमो रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, तो इसके बारे में क्या जानकारी है? एक मृत अवस्था में पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को लाया गया है, परसराम पटेल, पिता खपू पटेल बताया, उदयपुरा का रहने वाला, 40 साल उसकी उम्र बताई है। आई हुई लाश बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, क्षति विक्षिप्त हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट के बाद ही निर्णय ले पाएंगे। बताया कि लोगों के द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी की गई। युवा मोर्चा के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में ये नारेबाजी की गई। दमोह में भी पुतला फूंका गया। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। कुरेश मंडी के पास आम लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद लोग आम लंगर में शामिल हुए। स्थानीय कुरेश मंडी के पास गुड्डा पठान, सरवर पठान के निवास पर फातह अख्वानी का अहतमाम किया गया, जिसमें सरकार गौस पाक की नियाज हुई और आम लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के तमाम अकीदतमंद भारी तादाद में वहाँ पहुँचे और फातह अख्वानी में शिरकत करने के बाद लंगर में भी हिस्सा लिया। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
पठानी मोहल्ले में दीरी जलसे का आयोजन हुआ, जिसमें मेहमान मौलानाओं के अलावा स्थानीय मौलानाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद लोगों की उपस्थिति देखी गई। स्थानीय पठानी मोहल्ला मस्जिद के सामने बीती रात एक दीनी जलसे का आयोजन किया गया था, जिसका उन्वान था तहफ़ुज़े नामुसे रिसालत और सरकार गौसे आजम कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें स्थानीय मौलानाओं के अलावा नागपुर महाराष्ट्र से आए मौलाना फारूक रजवी साहब ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना तहसीन रजा और हटा से आए मौलाना इमरान साहब के अलावा मौलाना फारूक रजवी साहब ने खिताब फरमाया। इस जलसे की निजामत हाफिज खलील साहब ने की। इस मौके पर मौलाना तहसीन रजा साहब, हाफिज मुनव्वर रजा साहब और पठानी मोहल्ला मस्जिद के इमाम साहब हाफिज आरिफ रजा साहब के अलावा फिरोज हाफिज साहब और दीगर तमाम मस्जिदों के पेश इमामों की मंच पर मौजूदगी देखी गई। इसके अलावा प्रोग्राम को सुनने के लिए देर रात तक अकीदतमंदों का हुजूम वहां पर मौजूद रहा। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। अगर इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह पर ये कहते कि ये ज़ईफ हदीस से साबित है, ज़ईफ हदीस से ये मसला साबित है, जबकि इसके बरखिलाफ बुखारी में या मुस्लिम में या दीगर कुतुब अहादीस में जो दिनों पर हुकूमत करती है वो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, वो कोई दुनिया का फैलाव नहीं है, वो कोई दुनिया का कोई लीडर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में दिलों में जिसकी हुकूमत चलती है वो सुल्तानी है, जो करीब नवाज की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमाम बुजुर्गों की अजमत को और इनकी निस्बतों को जिस जात ने महफूज करके हमारे सीनों तक पहुंचाया है, उस जात को दुनिया इमाम अहले सुन्नत ताला ने दी है। कहते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरके बने, सबसे पहला फिरका शिया था। उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में वजूद में आया। शिया फिरके का पानी जो था अब्दुल्लाह इब्ने सबा, ये योगी शख्स था, जाहिर अली मान लाया, उस्मान गनी के जमाने में आया और जाहिर इस्लाम का इजहार किया, मगर मकसद था इस्लाम में फिरका पैदा करना, इस्लाम की जमीयत को, इस्लाम की ताकत को तोड़ो। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। फिर से युवा मोर्चा ने फूंका प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला। बंदेली जलवा महोत्सव में कलाकारों ने दिखाए कला के जलवे। बिच्छू के काटने से 4 वर्षीय मासूम की मौत। कुम्हारी में चोरी, सीसीटीवी के कैद हुई घटना। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लीजिए हमें इजाजत।